बीटरूट यानी चुकंदर का जूस बहुत ही फायदेमंद होता है फ्रेंड्स। रोजाना एक्सरसाइज करने वाले लोगों को इस जूस के इंटेक से स्टैमिना मिलता है। चुकंदर का जूस पीने से एक्सरसाइज करने की जो टाइमिंग होती है उसमें भी बढ़ोतरी होती है फ्रेंड्स। ये थकान को कम करने में भी हेल्प करता है। सिर्फ सेहत ही नहीं फ्रेंड्स बल्कि स्किन के लिए भी बीटरूट बेहद ही फायदेमंद होता है। इसका सेवन करने से बॉडी में हीमोग्लोबिन तो बढ़ता ही है फ्रेंड्स, और ये ब्लड को भी प्योरीफाई करता है। इसलिए इसे किडनी डिटॉक्स करने के लिए भी यूज किया जाता है। इस पर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसी बीट रूट से आप अपने स्किन के लिए इस विंटर में क्रीम कैसे बना सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बीट रूट से बना हुआ क्रीम आपके स्किन को हाइड्रेट करेगा, सॉफ्ट रखेगा इस विंटर में, और ये आपकी स्किन को इस विंटर पे हाइड्रेट रखेगी, मॉइस्चर रखेगी, सॉफ्ट रखेगी, ठीक है फ्रेंड्स। और एक ग्लो भी आएगा आपके स्किन में इन विंटर्स में। फ्रेंड्स, विंटर में स्किन का कुछ ज्यादा ही ख्याल रखना पड़ता है, और विंटर्स में सभी जो है एक अच्छे मॉइस्चराइजर की तलाश करते रहते हैं जिससे कि स्किन बहुत देर तक हाइड्रेट रहे। लेकिन मार्केट्स में मिलने वाली जो क्रीम होती है फ्रेंड्स, वो स्किन के लिए कितनी फायदेमंद है इसका अंदाजा नहीं लगा पाता है कोई। उन क्रीम और लोशंस में मौजूद केमिकल स्किन के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। सो गाइज, आप खुद से घर पर बीटरूट का ये क्रीम बनाकर अपनी स्किन के लिए यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। चुकंदर में विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, और ये स्किन के लिए एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है। स्किन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उनको भी ये दूर करता है फ्रेंड्स। और विंटर में आपकी स्किन पर एक गुलाबी निखार भी बरकरार रखने में बीटरूट बहुत ही लाभदायक हो सकता है फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आपको आज की इस वीडियो में इसे तैयार करने का आसान सा स्टेप्स बताती हूँ। हे गाइज, वेलकम बैक टू आवर फैमिली फूड्स बेनिफिट्स। दिस इज शबनम, एंड गाइज आई होप आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, विंटर बीटरूट क्रीम को बनाने के लिए आपको बस चार चीजों की जरूरत है। सबसे पहले तो आपको एक छीला हुआ बीटरूट यानी कि चुकंदर लेना है, और दो चम्मच एलोवेरा जेल लेना है, एक विटामिन ई की कैप्सूल लेनी है, और हाफ चम्मच आपको बादाम का तेल लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहले जो छिले हुए चुकंदर है फ्रेंड्स, उसको अच्छे से आप घस ले। अब उसको छान कर उसका पल्प और उसका रस जो है वो दोनों को अलग कर ले। अब एक कांच का आप बाउल लें, उसमें एलोवेरा जेल को मिलाएं और बादाम तेल को मिलाएं, विटामिन ई की जो एक कैप्सूल है उसको भी डाल लें, और अच्छे से तीनों को मिक्स कर लें। एंड अब इस मिक्सचर को सफेद होने तक अच्छे से मिलाएं। अब इसमें 4 से 5 चम्मच बीट रूट का जूस डालें, और अच्छा सा पेस्ट बन जाने तक इस मिक्सचर को अच्छे से आप मिलाएं, ठीक है। फिर अब इसको आप एक किसी भी छोटे से बॉक्स में रख लें और उसे फ्रीजर में डाल दें। इस क्रीम को फ्रेंड्स आप 15 डेज तक यूज कर सकते हैं बनाकर, ठीक है। सो गाइज, यूज करने के पहले आप एक पैच टेस्ट ले लें अपना। अगर आपको लगता है कि ये स्किन पर आपका ज्यादा रंग छोड़ रहा है अपना, जो कि इसका रेडिश कलर होता है, तो इसमें आप और थोड़ा ज्यादा एलोवेरा जेल मिला सकते हैं, ठीक है। सो चलो फ्रेंड्स, बताती हूँ आपको अब इसको यूज कैसे करना है। सो गाइज, इसके लिए आप ये क्रीम भी यूज कर सकते हैं, राइट। इस क्रीम को लेकर अपने चेहरे पर हाथों से हल्के रोटेशन मूव करते हुए इस क्रीम को अप्लाई करें। ये आपकी स्किन को एक गुलाबी ग्लो देगा फ्रेंड्स। वैसे आप चाहें तो इस क्रीम को एज अ नाइट क्रीम के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप घर पर ही विंटर में यूज करने के लिए बीटरूट से क्रीम कैसे बना सकते हैं, जो कि बिल्कुल नेचुरल होगा। आप घर पर खुद से बना सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं, और ये आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेगा, सॉफ्ट रखेगा, मॉइस्चर भी रखेगा, एंड ये बिल्कुल केमिकल फ्री भी है। ओके फ्रेंड्स, सो गाइज आई होप की आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इफ सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड बेल बटन को जरूर ऑन कर देना गाइज, ताकि मैं जब भी वीडियोज अपलोड करूँ आपको इसकी नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलते हैं हेल्थ एंड ब्यूटी से जुड़े हर रिलेटेड टॉपिक्स पर वीडियोस, ठीक है गाइज। सो कीप सपोर्टिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, बाय।